ये फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, वांट टू टेक एडमिशंस इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, बट दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस की नोटिस कैसी होती है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नोटिस लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिला था फ्रॉम द कैलकटा यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, सेकेंड नंबर बेस्ट कॉलेज इन द वेस्ट बंगाल। सो आप अगर इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड की एडमिशन लेना है यहाँ पर, आप एक अदर स्टेट कैंडिडेट से, इन स्टेट कैंडिडेट से कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, कितनी सीट्स आते हैं, कैसा दिखता है एक नोटिस, पूरा का पूरा आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम दी प्रीमियम इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये पूरे एनालिसिस के बारे में। बट दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टुवर्ड्स टेकिंग अ डायरेक्ट एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज एडमिशंस ऑन है इन दिस अगस्त सेशन ओनली, इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल IIM क्लोज हो चुका है, देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहां पर एडमिशंस बची हुई है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नंबर एंड रीच आउट टू आवर एडमिशन कमिटी टीम, विजिट आवर ऑफिस एंड प्रोसेस योर एडमिशन। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द नोटिस कमिंग अप। सो सबसे पहले लास्ट ईयर ये जो आया था नोटिस, ये वॉज फ्रॉम द कैलकटा यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन आप कैसे दे सकते हैं, देखिए, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो मतलब यहाँ पर अगर हम क्लिक करके देखें तो एक नया एक साइट उन्होंने बताया था लास्ट ईयर के लिए, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन को अभी ट्रैक कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर जाकर एक फॉर्म फिल कर सकते थे। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि एक फॉर्म आपको ऑनलाइन में फिल करना है। सेकेंड फैक्टर, सो वॉट इज द डेट ऑफ सबमिशन, सबमिशन डेट्स आर कमिंग अप फ्रॉम लाइक 28th उन्होंने दिया था, तो दैट वॉज द लास्ट ईयर, बिकॉज काउंसिलिंग एंडेड ऑन द 31st ऑफ ऑगस्ट। दिस ईयर इट एंडेड ऑन द 5th और 7th ऑफ द ऑगस्ट, सो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी प्रिडिक्टिंग इट लाइक नेक्स्ट, मैंने 7th या 6th ऑफ सेप्टेम्बर से यू विल बी गेटिंग योर दिस पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल वैकेंसीज इन एवरी सीट। सो यू विल बी गेटिंग द वैकेंसीज की कौन कौन से डिपार्टमेंट, लाइक कौन कौन से जेन, कौन कौन से लाइक ओपन सीट्स। लास्ट ईयर देर वॉज नो डोमिसाइल, इस साल दो सेक्शन आएंगे, एक डोमिसाइल सेक्टर्स के लिए आएगा, एक आएगा नॉन डोमिसाइल के लिए। जितने सीट्स वेकेंट होंगे दैट विल शो अप हियर, एंड वो सारे सीट्स आपको इस तरह वैकेंसी के साथ दिखेंगे, एंड सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली उन्होंने अभी ये भी लिखा है कि दैट 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर द PWD कैटेगरी विच इज नॉट मेंशनड हियर, और वो सारे सीट्स शायद ना फिल हुए हों इसलिए उन्होंने ये मेंशन किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक, अगर देख सकते हैं ऑल अवेलेबल कोर्सेज एक्सेप्ट जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं एक्सेप्ट द जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, लाइक यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि हु कैन अप्लाई। सो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इसके बाद जो है कि व्हाट आर द पासिंग क्राइटेरियाज फॉर ऑल दी सेक्शन, 60% हमेशा होना चाहिए, दैट यू कैन गो थ्रू द PDF। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन लेटर अहेड। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट लाइक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सेल्फ असिस्टेड फोटो, मतलब आपकी एक फोटो होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने साइन कर रखा हो। सिमिलरली आपकी एक सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के लिए एक फोटो होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल लाइक यू हैव द मार्कशीट्स ऑफ द 10 एंड 12। इसके अलावा इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ SC कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज है, PWD है तो PWD कैटेगरी, यू हैव टू अपलोड योर WBCA रैंक कार्ड, दिस इज मैंडेटरी, एंड देन कम्स अप विद द डोमिसाइल सर्टिफिकेट विच यू हैव मेड लाइक फ्रॉम द प्रोफॉर्मा इटसेल्फ, और उसको आपको सबमिट करना है। नाउ यू हैव टू रैंक वाइज शेड्यूल ऑफ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग will be announced later. Like, for example, जो rank wise decentralized counseling होंगी वो बाद में अनाउंस की जाएगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि the counseling for the Calcutta University happens offline. मतलब आपको उस कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। सो वेयर यू हैव टू विजिट टेक्नोलॉजी कैंपस जो सॉल्ट लेक सेक्टर सिटी पे है, दिस इज नॉट द राजा बाजार कैंपस। इसके बाद जो है एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, आपके पेरेंट्स होने से नहीं आपको होना पड़ेगा। Now let's talk about like at the time of the counseling, candidates must upload their documents and its original. Counseling के candidates में जो है following documents, एक आपका decentralized counseling का application form जो आपने fill करेंगे, उसको आपको print out भी करवाना पड़ेगा. You have to keep the copy and you have to do print out. इसके बाद जो है आपको self-assessed copies भी लगेंगे. Then you will go forward with all the certificates, WBCA rank card, Aadhaar card and other materials as well. तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अगर आप समझे होंगे इतना देर में, तो आपको मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। काउंसलिंग में पहले एक फॉर्म फिल करेंगे, सेकंड में सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद आपके पास सेल्फ असिस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, उसके साथ ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए, और उसको लेकर आपको उस कॉलेज के वेन्यू पे जाना है, वेट करना है। अगर आपका नाम आता है देन यू विल टेक द एडमिशन, पे द फीस,
पैसे लेकर जाने, पैसे वहीं के वहीं पे करने, एडमिशन हो गया एंड यू मूव फॉरवर्ड एंड टेक योर एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. आपका प्रीवियस कॉलेज में दैट इज योर फैक्टर, आप उस कॉलेज से निकले ना निकले, उसमें जो भी करना है करें, फीस दे रहा है नहीं दे रहा है वो आपका सेकेंडरी फैक्टर है. अगर आपको ये कॉलेज में जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है, जितने वैकेंसी होंगे, जितने बच्चे वहां पर विजिट करेंगे, सोचिए मैंने फॉर्म फिल किया, मैं कॉलेज में गया नहीं तो हो सकता है मेरा काउंसिलिंग से मुझे निकाल देंगे. अगर आप फॉर्म फिल किया, आप कॉलेज में गए, आपने आपका नाम आया, आपने एडमिशन ले लिया, पैसे पे कर दिए, डन एंड डस्टेड, आपकी एडमिशन हो गई. कितना रैंक हो रहा है, क्या कट ऑफ हो रही है, किसी से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले ली, तो आपका डन. दोस्तों ये होता है काउंसलिंग में मोस्ट प्रॉब्ली. सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अभी के अभी लाइक कीजिए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब. आप एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू डायरेक्टली एंड इन द टॉप कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, सो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जेलेट में जा रहे हैं, WBJ में जा रहे हैं, जिस भी सेंटर्स में जा रहे हैं, हमारी एडमिशन कमिटी टीम आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट द एडमिशन डायरेक्टली. काउंसलिंग के लिए डेट्स आर वेरी क्लोज, आपके पास बहुत सारे समय होना चाहिए. मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कैलकटा यूनिवर्सिटी का, एंड इन फ्यूचर आपको मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर गुड इंस्टीट्यूट्स को बताने वाला हूँ. सो क्या आप तैयार हैं, आपको प्रोसेस पूरा समझ में आया, कुछ नया सीखा आपने, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आने वाले टाइम पे हम लोग मोर वीडियोस बनाएंगे, आप मुझे बताइए कि आने वाले टाइम पे और आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहते हैं आपको अलविदा. बाय दोस्तों, एडमिशन कमिटी टीम को अभी के अभी रीच आउट कर सकते हैं और टेक एडमिशन एज अ टॉप कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल अगर आपने नहीं ले रखा है अभी तक. और मैं आपको बता दूं, यही मंथ लास्ट मंथ होने वाला है एडमिशन के लिए, बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है. सो हो सकता है कि आप अपने क्लासेस अभी मिस कर रहे हैं और आपकी रैंक अगर उतनी खास नहीं है और आपको पता है कि शायद उतने अच्छे चांसेस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट से एडमिशन होना शुरू हो गया है, तो वहां पर आप रीच आउट कर सकते हैं.